I don't know, matching. We thought we do matching today. Yeah. Yes. No, but you're looking beautiful. Hello, not more than you. Mashallah say. Aapki height kitni hai, Elnaaz? 5'8.5. 5'8.5 without heels. Without heels. She's around about 7 feet. Oh God. 7 feet or so? No. And then I met Adeel in Bombay, very briefly. And वहाँ से एक दो साल के बाद जब ये मान जाओ ना स्क्रिप्ट आया था आपके पास, उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि ये फिल्म है और आप ऑडिशन कर लो. ठीक है. I audition for it. And after एक हफ्ते के बाद शायद मेरे पास एक कॉल आया कि they want to sign you और आप आ जाएं पाकिस्तान. मैं बिल्कुल ऐसे यार पाकिस्तान जाना है ये क्या हो रहा है मैं कभी गई नहीं और but जब मैं आई और these people just made me feel like I'm home. Seriously, even though it's a country I've never been to. Yeah. So it's been great. सही. So इतना छोटा सा सफर है, इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया. छोटा सा नहीं है लेकिन I made it small. छोटा, yeah, छोटा करके बता. अरे क्यों शौक था इंडियन फिल्म्स में काम करने का? पता नहीं. Good question. लेकिन मुझे खुद पता नहीं है. मैं देख रही थी फिल्में, so actually I think because she is from Germany and even जब मैं भी पोलैंड में शूट कर रहा था ये लोग बहुत बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं. हम लोग भी देखते हैं. और वहाँ पे जो सबसे फेमस फिल्म थी मुझे उन्होंने कहा कि एक बॉलीवुड फिल्म में sometimes happiness sometimes rain. मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है? Sometimes happiness. Yeah. Then they were like कभी खुशी कभी गम. They showed me on the poster. So I think वहाँ पर बहुत ज़्यादा sometimes happiness sometimes rain. हाँ, उसको translate करके उसको समझा रहे थे ना अदील को. Okay, सही. हाँ जी, हाँ, that's very famous in Germany also. अरे अदील, इसका मतलब है कुछ खास मनाना नहीं पड़ा आपको अपनी हीरोइन को? नहीं actually जब अच्छा इस फिल्म में पहले कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे लेकिन then due to dates के issues की वजह से you know so completely हम लोग shoot से एक दिन पहले हमारे पास हीरोइन ही नहीं थी. Then I called her up. Then she obviously she auditioned with other artists also, but she came out like brilliant in the audition. And but I think एक दफा हाँ करने के बाद मैडम जो हैं वो घबरा गई थी क्योंकि इनके कुछ जो बॉम्बे में भी जो इनके फैंस हैं और फ्रेंड्स हैं उन्होंने इनको काफी डराया कि नहीं डोंट गो टू पाकिस्तान तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. And शायद वहाँ पे तुम्हें ऊँट के ऊपर बैठना पड़े. There are no cars and all that. Actually, literally when I was in Bombay, इस तरह तो नहीं. In 2009 or 2010, a person asked me that, do you guys have a photo state machine? Can you believe that? A what? A Xerox. You know, you guys call it Xerox there. So खैर, she backed out कि नहीं वो dates का. फिर इसको मैंने कहा कि यार तुम दोनों films करो वहाँ पे भी करो. And it's a very good market. हमारी film industry बढ़ रही है और हमारे पास to be honest अभी इतने ज़्यादा artist film के लोग हैं ही नहीं, heroines हैं ही नहीं. So yeah, we're glad that she is here and she has done a fantastic job. अच्छा मान गई. लेकिन बड़ा बड़ा आपने हौसला किया उस पर because listening to so many people telling you कि यार ये गलत decision है आप बुरा कर रहे हो. और मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन थे decision लेने के लिए. हाँ. फिर हमने जबरदस्ती मारा. Was it so convincing? हाँ. और इन्होंने क्या मान जाओ ना का वो जो तरीका रात को 11 बजे फोन करके मुझे एक घंटे हम बात की थी ना. एक घंटा. हाँ. ये आपको मनाते रहे. हाँ. ओह अजीब. No, I wanted this film to look good and I knew that she would really fit into the character and you know we'll make a great on-screen couple. Yeah. So you know, इसलिए मुझे एक घंटा लगाना पड़ा और आपको पता है कि बॉम्बे की कॉल कितनी महंगी है. लेकिन इससे हमें ये भी पता चला कि persuasion skills में हैं, वो भी अजीब तरीके के बड़े कमाल हैं. हाँ, consistent में. मनाना चाहे किसी को किसी चीज़ पे तो मना लेते हैं. हाँ, मना मैं लेता हूँ. He's the right hero for this film. Really? Yeah. अच्छा, what is this film about? आप बताएं. क्या है होगा इस फिल्म में? जो मैंने सुना है,
वो तो बड़ा खतरनाक था, वो तो कुछ अदील की टाइप की चीजें हैं। क्या शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं बता। अच्छा, मैं तो एक्चुअली आई एम प्रो मैरिज। रियली? यू आर? या मैंने तो आपसे जितनी दफा सवाल किए, जितनी दफा इंटरव्यूज किए, यू आर ऑलवेज आवर मेकिंग। इस फिल्म ने मुझे चेंज कर दिया। सो नाउ यू आर प्रो मैरिज। सो हम ये समझे कि अब इस फिल्म के बाद आप मान गए हैं शादी के लिए। देखें, अगर मान गए तो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन फिल्म के बारे में मैं जानना चाहूंगी, ब्रेक ले लो। सो फिल्म, या आप पहले ब्रेक लेने या सो ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस हमारी बहुत खूबसूरत सी कास्ट और भी बहुत लोग आपसे मिलने वाले हैं, और से बैठ के हम बातें नहीं करेंगे, कुछ हम आपको भी मनाएंगे आज कुछ चीजों को, कुछ कामों को करने को। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर मिलते हैं। मान जाओ ना कि कास्ट से आज आप मिल रहे हैं, और हमने लड़कों की आंखों पे इश्क की पट्टी बांध दी है, सो दे कांट सी एक्चुअली, और उनके सामने एक विश लिस्ट है। दोनों हीरोइंस जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। एक्चुअली अलनाज इज हीरोइन, और मेरा ख्याल है कि हाजरा आप सेकंड उस पे हो, लीड पे। नो, ओके, बट अच्छा, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अयाज है। हाय अयाज, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ही है, आगे आ जाइए, तीन स्टेप्स आगे हैं। वन, यार अयाज आप मेरे अंदर आ रहे हैं, आप मेरे अंदर आ रहे हैं भाई। अच्छा, अब करना ये है कि आपने अपने पार्टनर्स को गाइड करना है, लड़कियों ने, क्योंकि लड़कियां हमेशा ज्यादा देख सकती हैं चीजों को, और लड़कों की आंखों पे हमेशा पट्टी बंदी होती है किसी ना किसी चीज की। सो आपने इन्हें गाइड करना है कि इस विश लिस्ट में से ये क्या बेहतरीन चीज चूज कर सकते हैं, ये आपकी गाइडेंस पे आपके पार्टनर ने पिक करनी है। देन विल सी कि किस कपल ने कौन सी ज्यादा बेहतर चीजें पिक की है, चूज की है अपने लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जी क्या कुछ टिपिक किया है हाजरा ने और अयाज ने। हाजरा और अयाज, एक घर, वाह वाह, एक खूबसूरत सा घर जी, फरारी, ढेर सारा नोटू कमाने वाले हैं, ढेर सारा पैसा। He just got married. Thank you. सब देती है। अयाज जी क्या कह रही हैं हाजरा? You got married? Congratulations. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल हम लोग जब फ्लाइट पे थे तो literally, you know, because he got married, he was crying at the airport. पहली दफा बेगम से दूर जा रहा था। नहीं, बच कर यार। Seriously, ऐसा कुछ। It was very cute. He was crying. मतलब इमोशनल हो गया था। झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोचा कुछ और थी। अच्छा, अदील झूठ भी इतने पक्के मुंह से बोलते हैं कि एक लंबे लंबे बंदे को सोचना पड़ता है कि झूठ ही तो पक्के मुंह से बोलते हैं। सर बताएंगे, सर कभी झूठ बोलते हैं। हाजरा ने ये बेबी का तो मेरा ख्याल है हाजरा ने पिक किया होगा अयाज के लिए, है ना? यहाँ पे क्या पिक किया अल्लाज ने? क्या क्या किया? वाह, ये रिंग किसकी किसकी वो है, किसकी जिंदगी में आने वाली है? रानिया, रानिया, ओके, सो ये रानिया के लिए रिंग है। जो तो वैसे ही रॉकस्टार है, वो तो है बहुत जबरदस्त किस्म के रॉकस्टार टर्न एक्टर, या एक्टर टर्न रॉकस्टार, रॉकस्टार टर्न एक्टर, ब्यूटीफुल। शादी ये जरूर करवा दें प्लीज। किसकी? अदील की करवा दें। अदील सुनो, अमान जाओ ना,
अदील मान जाओ ना, ठीक है अदील मान गया, ये तो पक्का। ये क्या है? प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी अच्छा होने वाली है इस साल, करवा रहा हूँ। प्लास्टिक जमा कर दिया इसने, ये मेरे डायरेक्टर कह रहे थोड़ी सी अपनी जॉ लाइन थोड़ी सी एनहेंस कर लो, एनहेंस करो, झूठा भी इन्होंने कहा डिम्पल भी बनवाओ, डिम्पल भी बनवाओ। अभी मैं लेके ड्रिलिंग वाली मशीन डिम्पल बनवा रहा था, बनवा ले अगर तुझे कुछ नहीं, और नाम भी प्रीटी जिंटा रख लो।